गाने लिखने चाहिए, बजाने चाहिए और हमें अपने बच्चों को, पोतों को बताना चाहिए कि देखो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम उस समय में जीवित हो जिस समय में इतिहास लिखा जा रहा है। और आज इतिहास लिखा जो बात आप कह रहे थे, जो बात आपने देखी और जो बात मैंने भी देखी, मेरे क्या थे 45,000 वोट है और कुछ 10,000 कुछ गाड़ी कटे होंगे। अगर आपके पास 55,000 वोट है तो आप सत्ता में क्यों नहीं आए थे, मुझे इस 25 प्रश्न का उत्तर चाहिए। ये चार बुझा MLA यहीं से बढ़ा लीजिए। बात तो ये करनी है, जिस दिन आपका MLA यहाँ से बन गया 55,000 वोटों को लेकर के, आपको कौन रोक रहा है? चार बुझा भी आपके साथ है और आपकी बुझा भी आपके साथ है, बचा क्या? नहीं हो रही तो पूजा, अपन तो सब घर में बैठे हैं, चार पूजा जी को बोले भाई रास्ता दिखाओ, मुझे तो रास्ता दिखा देना, इतनी शक्ति दे देना कि मैं राजस्थान में 37 MLA MPC समाज के बड़ा के मरूं। तब तो अमेरिका के कुछ हुआ, 5% आरक्षण चालू है, सुचारू रूप से चालू है, लेकिन अभी काम बहुत बाकी है। अभी राम प्यारी कलेक्टर नहीं बन गए, समझो बात, जब नौकरियां आती है 10,000 बच्चे MPC के फॉर्म भरते हैं और 10 सेलेक्ट होते हैं तो 990 कहाँ जाएंगे? ये काम भी तो बचा हुआ है, ये भी भूल जाते हो, उनको भी तो फ्रॉड दिखाना चाहिए। ये काम बचा हुआ है, 37 MLA बनाने, ये काम बचा हुआ है। MPC समाज में गडरिया, गाडरे, लोहार, बंजारा, इनका कोई भी आदमी अभी तक विधानसभा में नहीं पहुंचा, ये काम बचा हुआ है, काम बहुत बचा हुआ है। 5% मिला है, पूरी जागृति हुई है, जागृति से इतनी आग जलानी है कि सारी चीजें आप मुझे और MPC समाज के लोग जगते हैं और अपना हक ले सकते हैं। और मैं अपने इस पुरातत्व स्थाई पे बैठकर ये बात आपको कह देता हूँ, कोई संकोच वाली बात नहीं है, मरते दम तक जो भी काम करूंगा समाज हित में करूंगा, राजनीतिक भी काम करूंगा समाज हित में करूंगा, सामाजिक भी काम करूंगा समाज हित में करूंगा। और आपके यहाँ से बैठ करके मैं आज एक ऐलान कर देता हूँ और जो सुन रहा है सबको बता दें कि राजस्थान में MPC समाज की सोशियो पॉलिटिकल लीडरशिप जग गई है। चार गुजरात का आशीर्वाद है, हम राजस्थान की राजनीतिक पृष्ठभूमि को बदल के रखेंगे। राजनीतिक पृष्ठभूमि बदलेगी, हमारे सारे काम हो जाएंगे। यहाँ पर राजसमंद में आपके पास जनन बालिका विद्यालय ही नहीं है, यहाँ का पता नहीं मुझे, यहाँ है नहीं, तो हमारी बच्चियां कब पढ़ेंगी, कहाँ जाएंगी, कब जाएंगी? ये तो तब होगा ना भाई साहब जब आप सत्ता में बैठोगे। आप लोगों को सत्ता में बैठना बहुत जरूरी है, आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप हम आपके लिए एक बात और बता दूंगा, मैं सच बोलता हूँ, मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलता, मैं तो बारात भी ले आऊंगा साहब, बैंड बाजा भी ले आऊंगा, बींद लाना आपका काम। आदमी बताओ, ये आदमी है, इसको जिताना है, 55,000 वोट है उस पर डाल देगा, चाहे खड्डे में जाए सारी दुनिया, जितने वोट कांग्रेस वाले को इस बार आए ना, उतने वोट तो हमारे पास खुद वैसे ही बैठे, तो क्या जीत रहे हो, टेंशन क्या लो, सोच का फर्क है, सोच बदलो, सीरत बदलेगी, समाज आगे बढ़ेगा और भगवान इतनी शक्ति दे कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो पूरा हो। 12 तारीख को आप सबको पुष्कर पहुंचना है, कर्नल साहब की अस्थियों का विसर्जन होगा, जितने भी यहाँ पे देवनारायण मंदिर हैं आसपास पूरे क्षेत्र में, वहां से आप शंख और झालर और वहां का जो महंत या कोटिया है उसको लेकर आए। 52 घाटों से जब अस्थि विसर्जित होगा तो यही देवनारायण का शंख बजेगा, यही देवनारायण की झालर, और चार पूजा जी का भी अगर हो सके तो एक शंख आ जाए, इससे अच्छी बात हमारे लिए नहीं होगी। पूजा जी भी आएंगे उधर है।